नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है भैया। यहाँ पर टाइम टेबल जारी हो चुका है सेकंड सेमेस्टर का, यूजी के विद्यार्थियों का यहाँ पर टाइम टेबल जारी हुआ है। काफी समय से लगातार इंतजार कर रहे थे, तो मैंने कहा था भैया जुलाई के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा टाइम टेबल, और यहाँ पे टाइम टेबल आ चुका है। टाइम टेबल में डेट्स क्या रहने वाले इसके बारे में बात करेंगे, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, और आने वाले समय अपनी जो तैयारी वगैरह से रिलेटेड इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रहे, मत्स्य यूनिवर्सिटी के यूजी के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए नोटिस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकेंगे। सीधा लेके चलता हूँ आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मत्स्य यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान रखे, ये रहा राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर। ये देखो टाइम टेबल, यहाँ पर एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम, और बीए बीएससी बीकॉम पास कोर्स ऑनर्स कोर्स सेमेस्टर सेकंड एग्जाम, और विधान के बीबीए का भी आ गया और बीसीए का भी आ गया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, देखो बीए बीएससी बीकॉम पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स वाले के सेकंड सेमेस्टर की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये मैंने डाउनलोड भी कर लिया था अभी, ये रहा भैया आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, समय आपको दिया हुआ है 11 बजे से 2 बजे आपके एग्जाम होने वाली है। ये बीकॉम का रहा सेमेस्टर सेकंड का रेगुलर नॉन कॉलेज का, ये बीएससी का रहा, ये बीए सेमेस्टर सेकंड का रेगुलर का रहा, नॉन कॉलेज का रहा, और बीए ऑनर्स वालों का ये रहा। इस तरीके से आपका टाइम टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो रही है, ध्यान रखिए, ये बीए बीएससी बीकॉम की सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है। 5 अगस्त से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं भैया। अपने अपने पेपर जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए थे सेकंड सेमेस्टर में, वो अपने अपने देख लो। कोई ये कहे भी पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल ये रहा, डेट्स देख लो। बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की डेट देख लो। फिजिक्स जूलॉजी है तो यहाँ पे डेट देख लो। इस तरीके से आपके एग्जाम है, अपने अपने सब्जेक्ट देख लेंगे। 6 सितंबर 2024 को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जिस जिसने जो सिलेक्ट किया है उसके एग्जाम लग जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि ये चीज़ें तो हम देख लेंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, कि एडमिट कार्ड कब आएगा। अब 5 से शुरू हो रहे थे, लगभग 5 से 6 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। होता ऐसा है कि भी 5 दिन पहले मिल जाए, कोशिश रहेगी कि 5 दिन पहले यूनिवर्सिटी जारी कर दे, लेकिन अगर होता है डिले भी होता है तो ध्यान रखें 4 दिन पहले आपको जारी देखने को मिलेगा। यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके अपना अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर आप निकाल लेंगे। ये बात होगी, यहाँ से जितनी भी आवश्यकता थी आपके सभी चीज़ों की, वो सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात कर दी है मैंने। काफ़ी विद्यार्थी मत्स्य यूनिवर्सिटी के मुझे हमेशा कहते हैं कि गैस पेपर से रिलेटेड बातें। देखो, तैयारी का समय आपके पास अभी ज़्यादा बचा नहीं है भैया, अपने अपने सब्जेक्ट से यूनिट उठा लीजिए। अब सिलेबस के हिसाब से यूनिट कम से कम पहले ये सोचो कि मुझे पास होना है, पास के लिए उतना पढ़ो, फिर उसके बाद में लगे कि हाँ मुझे और ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि मुझे अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो फिर उसके बाद में और यूनिट पे ध्यान दो। ध्यान रखे, पढ़ना सारा ही है, ऐसा नहीं है कि भी 2 यूनिट पढ़ा बता दिया, 2 यूनिट पढ़ना है, पढ़ना सारा ही है। हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और जब भी पढ़ें तो एक बार सिलेबस जरूर उठा के देखें। सिलेबस में सारी चीज़ें दी हुई होती है कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस हिसाब से देखने को मिलेंगे, और बहुत ईजिली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मत्स्य यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर टाइम टेबल जारी हो चुका है, एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट आ गई। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।